प्लस ये मशीन के अंदर दोस्तों हमने जर्मन टेक्नोलॉजी की बूस्टर सिस्टम लगाई, जिसकी वजह से सोडा का जो क्वालिटी रहता है वो बूस्टिंग पावरफुल सोडा रहता है। जैसे बाजार में कोका कोला थम्सअप कंपनी का जो सोडा मिलता है, किनली है बिस्लेरी है, उस टाइप का जो फ्लेवर मिलता है, सोडा मिलता है, उस टाइप का स्ट्रांगनेस और पावर बूस्टर सोडा होता है इसके अंदर दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने आज 2023 का एडवांस फंक्शन वाला सोडा बोतल फिलिंग प्लांट लॉन्च किया है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं दोस्तों, सॉफ्टवेयर से भी एक ऊपर सिस्टम है, पीएलसी प्रोग्रामिंग सिस्टम वाला मशीन लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले लगा दिया दोस्तों, जिसको आप मेजरमेंट सेट कर सकते हो कि कितना एमएल का बोतल आपको फिल करना है। प्लस मशीन पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट साइज की बनाई है, 1 यूनिट 1 सेटअप मशीन बनाई है। प्लस मशीन के अंदर डबल चिलर सिस्टम दिया दोस्तों, जिसके अंदर 2 टाइम डबल टाइम पानी चिलिंग सिस्टम होता है। एक तो ऊपर रहता है स्टोर चिलर, ऊपर का टैंक में सबसे पहले पानी, नॉर्मल पानी ठंडा होने जाता है, फिर दोबारा पानी ठंडा होने ऑनलाइन चिलर में जाता है। डबल चिलर सिस्टम वाली मशीन है, 1 घंटे के अंदर 600 बोतल का प्रोडक्शन है। प्लस डबल सिस्टम वाली मशीन है, 2 सोडा का नल है तो 2 पंपिंग सिस्टम, 2 मोटर सिस्टम, 2 कार्बोनेटिंग सिस्टम और 2 सर्किट के यूनिट लगाए इसके अंदर दोस्तों। प्लस 2 सिरप आएगा इसके अंदर, दोनों साइड अलग अलग सिरप है और दोनों साइड कैपिंग मशीन दिया गया दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों एक समय के अंदर 2 अलग अलग आदमी 2 अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक में जीरा का और एक में ऑरेंज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लस ये मशीन के अंदर दोस्तों हमने जर्मन टेक्नोलॉजी की बूस्टर सिस्टम लगाई, जिसकी वजह से सोडा का जो क्वालिटी रहता है वो बूस्टिंग पावरफुल सोडा रहता है। जैसे बाजार में कोका कोला थम्सअप कंपनी का जो सोडा मिलता है, किनली है बिस्लेरी है, उस टाइप का जो फ्लेवर मिलता है, सोडा मिलता है, उस टाइप का स्ट्रांगनेस और पावर बूस्टर सोडा होता है इसके अंदर दोस्तों। मशीन पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, कहीं पे भी लोहा एमएस यूज नहीं किया। और थर्ड नंबर में दोस्तों इसमें कंप्रेसर मशीन के अंदर नहीं लगा है, इसके लिए हमने यहाँ पे आउटडोर सिस्टम दिया है। आउटडोर देने से रीजन वो होता है कि आपको जो एरिया में काम कर रहे हो दोस्तों, वहां पे हीटिंग गर्मी और टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से मशीन का कूलिंग में इफेक्ट गिरता है। तो आपको आउटडोर अपनी दुकान के या कोई भी स्पॉट पे लगाते हो उसकी पीछे की साइड इसको आउटडोर को लगा देना है, तो जो कंप्रेसर का हीटिंग रहता है, गर्मी रहता है दोस्तों, अपने दुकान में, अपने घर में, अपने रूम में वो हीटिंग नहीं भरता है, जिसकी वजह से मशीन का प्रोडक्शन भी फास्ट होता है और जो आदमी इसमें वर्क करते हैं उनको भी आसानी से काम करने में सरलता रहती है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब आप प्रोडक्शन करेंगे दोस्तों, एक तो आउटर टेम्परेचर भी इतना हैवी रहता है, प्लस मशीन भी इतना हीटिंग छोड़ेगा तो आदमी वहां पर आसानी से वर्क नहीं कर सकेंगे और मशीन का प्रोडक्शन भी गिर जाएगा। जो मशीन का प्रोडक्शन 600 बोतल का होगा तो 300-350 बोतल ही करेगा, क्योंकि इनर रूम के अंदर इतना हीटिंग हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें आउटडोर सिस्टम दिया गया दोस्तों। प्लस इसका जो वाटर टैंक, ड्रिंकिंग वाटर का टैंक रहता है, इसके अंदर कोई भी सामान अटैच नहीं रहता है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी सामान नहीं रहता है। जैसे बाजार में मशीनें मिलती है उसमें कार्बोनेट है, पानी है, निप्पल है, नट है, सब वो पीने के पानी में फिल होता है, तो जिसकी वजह से उसमें पॉइजन होता है दोस्तों। ये मशीन का हम आपको टैंक भी खोल के दिखाता, बड़ा ढक्कन है इसका ऊपर का, उसके बाद इसका टैंक है, ड्रिंकिंग वाटर का टैंक यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पूरा खाली है। अभी मैं डिलीवरी के लिए मशीन जा रही है इसलिए हमने सब सामान रखा है इसमें, बाकी कोई सामान इसके अंदर नहीं आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये कार, ये मीटर है वो निकल गया, ये पूरा टैंक खाली रहेगा, इसमें कोई सामान नहीं रहेगा दोस्तों। ड्रिंकिंग वाटर जो बोतल में पानी भर के जाएगा, ये पूरा टैंक खाली रहेगा, ओनली एक पंप रहेगा जो पानी को घुमाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सब जगह कूलिंग का ठंडा पाइप लगा है जिसमें बर्फ जमने वाला है, बर्फ का पार्ट जमेगा तो वहां पे पूरा पानी को सर्कुलेशन करेगा, एक ही टेम्परेचर का पानी सब जगह मिले, उसलिए हमने वो पंपिंग सिस्टम उसमें डाला है। बाकी कोई एक नट, एक निप्पल, एक पाइप, नोजर का पाइप, पीवीसी का पाइप, कोई भी अटैचमेंट टैंक के अंदर हमने दोस्तों फिल नहीं किया है। सबसे पहला आरओ का पानी उसमें जाएगा टैंक में, वो ठंडा होके दोबारा ठंडा होने के लिए यहाँ पे 180 लीटर का ऑनलाइन चिलर दिया दोस्तों, 180 लीटर का जम्बो ऑनलाइन चिलर सिस्टम दिया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप डिस्प्ले में इसको मेजरिंग कर सकते हो कि आज पूरे दिन में आपको कौन सा बोतल का प्रोडक्शन करना है, 200 ml, 300 ml, 600 ml, लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर का प्रोडक्शन, 3 लीटर का, तो यहाँ आप डिस्प्ले में से टोटली मेजरिंग कर सकते हो दोस्तों इसके अंदर से। प्लस बोतल बड़ा छोटा है तो ये आप ट्रे को अप डाउन भी कर सकते हो, अगर बोतल बड़ा है तो इसको डाउन करके बड़ा बोतल का भी साइजिंग कर सकते हैं। मशीन की दोस्तों मैं आपको साइज बता दूं,
ये जंबो प्लांट है, इसकी आपको साइज बता दूं दोस्तों, इसका जो फ्रंट रहता है आगे का चौड़ाई रहता है 45 इंच का फ्रंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 इंच का फ्रंट है आगे का 45 इंच। मशीन की हाइट में आपको बता दूं जमीन से लेके ऊपर तक आपको अगर लगानी है अपने एरिया अपना होल अपना कमरे के इसका साइजिंग करना है तो ये साइज देता हूं, तो आपको इससे आसानी रहेगी कि आपके कमरे में मशीन फिट होगी या नहीं होगी। 70 इंच का हाइट है इसका, देख सकते हैं यहाँ पे 70 इंच का हाइट है। और डिप्ट मापेंगे इसका आगे से लेके पीछे तक का जो डिप्ट है दोस्तों 36 इंच का डिप्ट है, 36 इंच का डिप्ट है दोस्तों इसका। ये तीनों तीन साइज आपको दिया है, आप ये साइज लेके अपने एरिया को भी कवर देख सकते हो कि ये मशीन आपके एरिया में फिट हो सकती है या नहीं हो सकती। वैसे नॉर्मली तो 10 फुट बाय 10 फुट या 15 फुट बाय 15 फुट का एरिया है तो वहां पे उसको फिटअप कर सकते हैं। अभी मैं मशीन चालू है इसमें से प्रोडक्शन निकाल के बता दूं दोस्तों, यहाँ से आपको सबसे पहले सोडा फिल करना है, जो भी आप फ्लेवर सोडा, हमने 160 ml सोडा सेट किया है, 160 ml सोडा गिर चुका है, 40 ml इसमें हम सिरप लगा देंगे, आप देख सकते हैं सिरप लग रहा है 40 ml। ये आपका बोतल तैयार हो गया है, कोई भी फ्लेवर का बोतल ऐसे तैयार हो गया है। फिर यहाँ से आपको ढक्कन रहता है कैपिंग में, यहाँ से ढक्कन लगा देना है, इसे ये कैपिंग मशीन स्टार्ट करके ढक्कन लग जाएगा आपका। ये आपका बोतल सेलिंग के लिए तैयार है दोस्तों, अपनी कंपनी के ब्रांड का स्टिकर लगा दो दोस्तों यहाँ पे, अपने ब्रांड का स्टिकर लगा के बाजार में आसानी से सेल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी साइड का भी आपको फिलअप करके बताता हूँ दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आपको सोडा फिल करना है। जितना आपने ml सेट किया उतना ही गिरेगा, फिर ऑटोमेटिक नल बंद हो जाएगा इसका, देखिए दोस्तों ये बंद हो चुका है, ऑटोमेटिक गिर के बंद हो चुका है। फिर यहाँ से हम सिरप का फिलअप लेंगे, ये सिरप फिल हो चुका है इसमें। उसके बाद यहाँ पे कैपिंग है, कैपिंग का ढक्कन लगाएंगे यहाँ से, सील वाला ढक्कन ले लिया हमने बिना सील का। ये आपका बोतल तैयार है दोस्तों, प्रोडक्शन हो गया, फाइनल प्रोडक्शन तैयार है। एक ही समय से अंदर दो अलग अलग फ्लेवर का प्रोडक्शन कर सकते हो। वैसे मशीन हमारे कस्टमर है मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेरठ करके शहर है, वहाँ पे कस्टमर है, उनकी मशीन है। उन्होंने जो नाम बोला था सामान जूस जूसी, वो नाम लिख दिया, उनका नंबर है, आपको अगर कॉन्टेक्ट करना है तो नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरठ या यूपी से आसपास से है तो एक कस्टमर की यहाँ मशीन जाने वाली है डिलीवरी, वहाँ पे हमारी टीम जाएगी, फिटिंग करेगी मशीन। अब आपको रिव्यू अगर चाहिए तो ये नंबर में कॉन्टेक्ट करके कस्टमर से रिव्यू भी लाइव ले सकते हो कि मशीन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी ज़्यादा डिटेल्स के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी के दिए गए नीचे सेल्स टीम का नंबर है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके मशीन की ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर इससे छोटी मशीन चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है, इससे बड़ी मशीन चाहिए, हाई प्रोडक्शन चाहिए, 1 घंटे में 200 बोटल, 1 घंटे में 600 बोटल, 1 घंटे में 1000 बोटल, 1 घंटे में 2000 बोटल, और रोटरी प्लांट भी है, 1 मिनट के अंदर 30 बोटल्स की प्रोडक्शन वाली रोटरी ऑटोमेटिक प्लांट भी हमारी कंपनी मशीन बनाती है। तो आपका जैसा बसे बजट जैसी मशीन चाहिए वैसी हमारे पास मशीन अवेलेबल मिलेगी। तो इस तरह की मशीनों की ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।